ये है 150 सीसी की पावर परफॉर्मेंस और माइलेज की नेकेड किंग यामाहा MT-15 वर्जन 2.2 का लेटेस्ट मॉडल। इस बाइक की टॉप स्पीड कितनी है, माइलेज कितना देती है, फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, ऑन रोड कीमत कितनी है, क्यों ये बाइक 150 सीसी की कैटेगरी में बादशाह मानी जाती है, इसके सामने और बाइकें पानी मांगती नजर आती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के फ्रंट लुक से। तो इसमें आपको मिलते हैं नॉर्मल हेलोजन वाले टर्न इंडिकेटर, यही इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं यामाहा की R15 के सभी मॉडल में एक जैसे। ऊपर में ग्लॉसी ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिलती है रोबोटिक LED DRL मिल जाती है। आईसेफ के नीचे में LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलता है। तो इसको ऑन करने के लिए मैं इंजन को ऑन कर देता हूँ, क्योंकि बिना इंजन ऑन होने के बाद इसकी हेडलाइट प्रोजेक्टर वाली ऑन नहीं होती है। इस बाइक में आपको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मर जैसा लुक प्रोवाइड किया गया है। थोड़ी सी आप देखेंगे तो कम बजट में N160 में भी आपको सेम यही लुक मिल जाता है, जो कि इससे 40,000 रुपये सस्ती है। इस बाइक के फ्रंट में आपको गोल्डन कलर के 37mm के टेलीस्कोपिक USD अपसाइड डाउन फ्रंट फॉर्क सस्पेंशन मिलते हैं, जबकि उसमें आपको नॉर्मल वाले सस्पेंशन मिलते हैं। इसका जो आगे वाला मडगार्ड है, जो कि आपको ग्लॉसी ग्रे कलर का मिलता है, सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, यही इसमें कमी है, जिसमें 282mm की डिस्क मिल जाती है। बाइब्रे के कैलिपर मिलते हैं और उसमें आपको ड्यूअल चैनल ABS मिल जाता है R15 के सभी मॉडल में। इसमें आपको 100/80 सेक्शन का टायर मिलता है, 70 इंच का यहाँ पर आपको मिलता है, काफ़ी शानदार एलॉय व्हील। चलते हैं इंजन की तरफ। तो इस बाइक में जो इंजन का यूज किया है, ये वही इंजन है जो आपको यामाहा R15 में देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टील की प्लेट के ऊपर में MT की ब्रांडिंग है। यहाँ पर ग्लॉसी ग्रे कलर आपको देखने को मिल जाता है। डेल्टा बॉक्स टाइप का यहाँ पर आपको फ्रेम मिलता है जो R15 में दिया है। यहाँ पर आपको एडजस्टेबल फुटरेस्ट मिल जाते हैं एल्यूमिनियम के ही आपको ब्रेक पैड मिलते हैं। बाकी यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाती है और यहाँ पर इंजन ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल का कैप 850 ml के आसपास इसमें इंजन ऑयल को डाला जाता है। बाकी 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। रेडिएटर कूलिंग सिस्टम मिलता है लिक्विड कूल्ड के साथ, जिसमें डाला जाता है इस जगह से कूलेंट को। बाकी इसमें आपको मिलता है 155 cc का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4-वाल्व SOSC BS6 FI इंजन। ये इंजन 18.4 PS की पावर देता है 10,000 RPM पर और 14.1 Nm का टॉर्क पैदा करता है 7,500 RPM पर। इस बाइक में आपको NS 160, N 160, अपाचे 162V, 4V, एक्सट्रीम 160R, इन सभी बाइक से आपको ज़्यादा पावर मिल जाती है, क्योंकि ये टॉप स्पीड के मामले में इन सभी बाइकों को पीछे छोड़ देती है BBA टेक्नोलॉजी के कारण। एग्जॉस्ट के ऊपर में थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच यहाँ पर आपको दिया गया है ब्लैक कलर के साथ। बाकी यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश मिल जाती है। पीछे में थोड़ी सी सिल्वर फिनिशिंग का पार्ट मिलता है। तीनों ही जो पार्ट हैं वो आपको प्लास्टिक के मिलते हैं। यहाँ पर आपको बड़ा सा टायर हगर मिल जाता है। बाकी 220 mm की डिस्क मिल जाती है, सिंगल चैनल ABS ही आपको सिर्फ आगे में मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको 140/70/R17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाता है MRF कंपनी का। पीछे वाले टायर की मोटाई है 140 mm। अगर आप इससे लीन वगैरह करते हैं, थोड़ा झुकाकर भी चलाते हैं, कॉर्नरिंग वगैरह करते हैं, तो कोई भी स्कीड की प्रॉब्लम नहीं आती रेडियल टायर की वजह से। बाकी पीछे में रिफ्लेक्टर, दो हेलोजन टाइप के इंडिकेटर मिल जाते हैं। सबसे पहले चाबी को मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ, तो आप इसकी पीछे वाली टेल लाइट को देख सकते हैं, जो कि इसकी सीट के साथ और इसके काउल के साथ ही थोड़ा बहुत अटैच है, जो कि LED में मिल जाती है। पीछे वाला जो मडगार्ड है वो भी काफ़ी स्पोर्टी है। यहाँ पर आपको सीट काउल भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्लास्टिक के हैं। ऊपर में एक स्ट्रिप मिल जाती है सीट के बीचों बीच और यहाँ पर यामाहा का स्टिकर मिल जाता है। और पिलियन को थोड़ा बहुत कंफर्ट देने के लिए यहाँ पर आपको मेटल वाले लोहे की रॉड के यहाँ पर आपको ग्रेवरेल मिलते हैं, जो पिलियन के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से। 810 mm की इसमें आपको सीट हाइट मिल जाती है। बाकी ये हैं इसके साइड बॉडी पैनल, जो कि फाइबर के हैं। बाकी इसका जो पेट्रोल टैंक के नीचे में ब्लैक मैट फिनिश मिलती है और ये जो काउल है ये भी आपको ग्लॉसी कलर का मिलता है। यहाँ पर आपको ब्लैक, रेड और ग्रे कलर के ग्राफिक्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एयर वेंट मिल जाता है। यहाँ से आप इसके फ्यूल टैंक की सेप को देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस बाइक में आपको मिलती है 138 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास टॉप स्पीड और 45 से 50 किलोमीटर प्रति लीटर का 1 लीटर में माइलेज आसानी से निकाल कर दे देती है। बाकी यहाँ पर आपको 10 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है फुल फाइबर बॉडी के सेटअप के साथ। यहाँ पर आपको स्विचेस मिल जाते हैं, जिसमें पासिंग, अपर डिपर, हॉर्न, इंडिकेटर का बटन नीचे में आपको देखने को मिलता है। बाकी इसकी जो हैंडल बार है वो देखा जाए तो यामाहा R15 से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें आपको थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है चलाते समय। बाकी फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें ABS हेडलाइट, टर्न इंडिकेटर, शिफ्ट टाइमिंग लाइट मिल जाती है, चेक इंजन और गियर न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, BVI इंडिकेटर मिल जाता है, RPM मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज मिल जाता है। बाकी इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर्स भी मिलता है, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट और मिस कॉल अलर्ट जैसे फीचर्स भी इसमें आपको देखने को मिलते हैं।
लेकिन इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विक शिफ्टर वाला जो फीचर्स होता है वो इसमें आपको नहीं मिलता, जो आपको यामाहा R15 में ही देखने को मिल जाता है। इस बाइक का कर्व वेट है 139 kg, इसका व्हील बेस है 1325 mm का और साइड में आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड ब्लैक कलर का साड़ी गार्ड, ओपन चेन सेट कवर मिल जाता है और ये है इसकी नीचे की चेन जो कि मेंटेनेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बाकी आगे वाले टायर में, पीछे वाले टायर में आपको सिंगल पर्सन या प्लेन के साथ चलाते हैं तो टायर प्रेशर को यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। पीछे में मोनोक्रॉस यहाँ पर आपको सस्पेंशन का सेटअप मिल जाता है येलो कलर के कॉम्बिनेशन के साथ। बाकी इंजन का जो हेड है वो आपको बिना कलर कोटिंग का मिलता है। 6-speed गियर बॉक्स मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर मिल जाता है। बाकी इसमें आपको क्विक शिफ्टर वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, जो आपको यामाहा R15 में देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइस की बात करें तो यामाहा MT-15 वर्जन 2.2 की एक्स शोरूम कीमत है 1,66,200 रुपये, ऑन रोड कीमत है 1,97,867 रुपये, 1,97,867 रुपीज, और ब्लैक कलर की ऑन रोड कीमत है 1,96,757 रुपये। ये है यामाहा R15S का V3 मॉडल, इसकी ऑन रोड कीमत है लगभग 1,95,000। जो मैंने आपको बताई है तनुष्का ऑटो यामाहा मध्यम ग्राम कोलकाता शोरूम की। अगर आप भी अपनी सिटी की ऑन रोड कीमत जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, रिप्लाई करके बता दूंगा।